गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि हम कैसे ही बहुत ही आसान तरीके से NTM की एप्लीकेशन पर तुलसी को बाय कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपनी ID को अपग्रेड कर कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान है। इसके लिए हम ऐप को ओपन करेंगे। ऐप को ओपन करते ही हम पे टू वेंडर डैशबोर्ड पे जो बटन बना हो पे टू वेंडर, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और इसके लिए हमें जो अपने प्रोडक्ट हैं वो जो भी हम लेना चाहते हैं, जैसे तुलसी हो गया, तुलसी ड्रॉप हो गया 30 ml का, नोनी जूस हो गया, और इसके साथ ही ग्रीन टी टैबलेट्स हैं, इन सभी का जो प्रोडक्ट कोड है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम इन प्रोडक्ट कोड को वहाँ पे फिल करने के बाद आप आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जो तुलसी का प्रोडक्ट कोड सामने डिस्प्ले हो रहा है 3541952, ये तुलसी का प्रोडक्ट कोड है, इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। और फिल करने के बाद हमने सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे NTM तुलसी MRP 249 BB75 और 30 ml का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसको हमने बाय करना है। तो यहाँ पे हम अमाउंट पे इसका जो MRP वो भरेंगे 249। बिलिंग टाइप हम अपग्रेड कर रहे हैं तो अपग्रेड ही रहेगा। जहाँ पे इसको वैलिडेट करना है, वैलिडेट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमें पूरी डिटेल दिखा देगा कि इसका जो अमाउंट है वो कितना है, इसके VV हमें कितने मिलेंगे, डिस्काउंट इस पर 30 रुपये के करीब है, और कैशबैक हमें कितना मिलेगा, और टोटल पेएबल अमाउंट जो हम देंगे वो कितनी है। वैलिडेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम जो अपना पिन है वो भरेंगे। पिन को वेरीफाई करने के बाद जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है, और अभी आप देख सकते हो कि ये प्रोसेसिंग में चल रहा है, और ये 10 मिनट से लेके 24 घंटे तक आपका ये ऑर्डर है वो प्रोसेस हो जाता है। और इसको देखने के लिए आप दोबारा से फिर अपने डैशबोर्ड पर आएंगे, पे टू वेंडर पर क्लिक करेंगे, आपने जितने भी ऑर्डर है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना सभी ऑर्डर जो अप्रूव हो गया है आप देख सकते हो कितने ऑर्डर अप्रूव हो गए। और ये अप्रूव होने के बाद आपने जो अपना प्रोफाइल में एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर ये ऑर्डर भेज दिया जाएगा।